हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जीत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैन बी डन में। और आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। ये एक ऐसा सवाल है जो कोई भी इंटरव्यू देने जाता है तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कई लोगों के दिमाग में ऐसा आइडिया आता है कि ऐसा पूछा क्यों जाता है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू देने पहुंच गया हूं, अब मेरी नौकरी के बीच में और मेरे बीच में सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है इंटरव्यू। चाहे वो वॉक इन इंटरव्यू हो या मैंने कोई टेस्ट क्लियर करके, कोई एग्जाम क्लियर करके इंटरव्यू देने पहुंचा हूं, और सामने वाला व्यक्ति जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसके हाथ में ऑलरेडी मेरा CV है, यानी मेरी प्रोफेशनल कुंडली है, उसमें सब कुछ तो मेरे बारे में दिया ही है, तो इस सवाल के पूछने का कारण क्या है। इसके दो कारण हैं। पहली बात तो ये एक वार्म अप क्वेश्चन है, क्योंकि जितनी देर में आप इस सवाल का जवाब देते हैं इतनी देर में इंटरव्यूअर आगे के क्वेश्चन सोच लेता है, डिसाइड कर लेता है कि वो आपसे क्या पूछने वाला है, और कई क्वेश्चंस तो इसी आपके इंट्रोडक्शन में से ही निकलते हैं। दूसरी बात, साथ में वो ये भी चेक कर लेते हैं कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आप क्या अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अपने आप को जितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं उतने अच्छे तरीके से तो कुछ भी नहीं। तो पहले वो ये चेक कर लेते हैं कि आपका कम्युनिकेशन लेवल क्या है, कि आप अपनी चीज़ को ढंग से बता पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उसमें हमें दो चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक तो कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं हमारे इंट्रोडक्शन में, और दूसरी बात कि उनको कैसे कवर करना है। तो पहले समझते हैं कि उन्हें कैसे कवर करना है। तो पहली जो टिप है वो है बी ओरिजिनल, यानी कि ये इंट्रोडक्शन किसका दे रहे हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो अपने बारे में जो भी आप बताएं वो कैसा बताएं, वो सही बताएं जो सच हो। आप बहुत सारी चीज़ें हो सकता है ना बताना चाहें, और कई चीज़ें हैं जो आपको बतानी हैं, लेकिन जो भी बताएं वो सही होना चाहिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो, फर्स्ट थिंग इज अबाउट द कंपनी, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी का गोल क्या है, उस कंपनी का विजन क्या है, उस कंपनी का मिशन क्या है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जो आपको और ढंग से पता होना चाहिए कि जिस आपने अब इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो वो एक जॉब रोल होगा, यानी जिस पोस्ट के लिए वो वैकेंसी है, उस पोस्ट को पर रहने के लिए, उस पोस्ट पर काम करने के लिए उनको कुछ स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होगी, वो स्किल्स आप में है कि नहीं, इसलिए तो ये सारी प्रोसेस चल रही है। तो उस जॉब रोल में किन किन क्वालिटीज की जरूरत है, कौन से स्किल्स की जरूरत है, ये आपको पहले से पता होगा, तो आप अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से ही आप उनको हाईलाइट कर पाएंगे कि मैं इस जॉब रोल के लिए सूटेबल कैंडिडेट हूँ। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है टाइम ड्यूरेशन, कि कितनी देर में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। तो अपना इंट्रोडक्शन जो है वो जनरली 60 से 90 सेकंड में देना चाहिए। आप चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, 50-60 सेकंड तक पहुंचते पहुंचते आपको ये समझ में आने लगेगा कि जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं वो मुझसे और मेरे बारे में सुनना चाहते हैं या नहीं। यदि वो आपको लगता है कि और सुनना चाहते हैं, तो उसको आप टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन को एक्सपैंड कर सकते हैं। वो कहाँ पर और कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। आप अपने जब ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कवर कर लेंगे, अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेंगे, उसे कहीं लिख लें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि चाहे आपका इंटरव्यू कल होने वाला है या नेक्स्ट वीक है या अगले महीने है, लेकिन आप उसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन कॉन्फिडेंट। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। पहला पॉइंट जो आपको कवर करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप कहीं इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, मतलब आपकी नौकरी, अगर ये इंटरव्यू क्लियर हो गया, ये इंटरव्यू आपने क्रैक कर लिया, तो आपकी जॉब लग जाएगी। तो सबसे पहले धन्यवाद कीजिए उस व्यक्ति का जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव गिवन मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दूसरी चीज जो आपको बतानी है वो बताना है अपना नाम। अब इस नाम को बताने के कई तरीके हैं। कुछ लोग बोलते हैं हेलो सर आई एम जीत, कुछ लोग बोलते हैं हेलो सर माय नेम इज जीत, कुछ लोग बोलते हैं हेलो सर दिस इज जीत, कुछ लोग बोलते हैं माई सेल्फ जीत। माई सेल्फ से शुरू करते हैं, तो माई सेल्फ को अवॉइड करिए। माई सेल्फ बेसिकली गलत नहीं है, पर माई सेल्फ तभी यूज किया जा सकता है जब आप जिस स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए जा रहे हैं, उस जॉब रोल में जो स्किल्स चाहिए उनके आप एक्सपर्ट हैं, उसका आपके पास बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, तब आप माई सेल्फ यूज करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, अदरवाइज इसको अवॉइड किया जाए। अब बात करें दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, दिस इज जीत, तो ये भी नहीं जाता है, थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, ग्रामेटिकली भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो इसके लिए इसको भी अवॉइड करें और आप
सीधे सीधे बोल सकते हैं हेलो सर या हेलो मैम, माय नेम इज जीत, जो भी आपका नाम हो वो वहां पर आप बोल सकते हैं। तीसरी चीज आपको बताना है अपना नेटिव प्लेस और फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन है तो उनको एक ओवरऑल आइडिया लगना चाहिए कि आप बेसिकली हैं कौन। कुछ लोग इसमें गलती ये करते हैं कि पूरी फैमिली की डिटेल्स बताने लगते हैं कि मेरे दो भाई हैं, मेरे तीन बहनें हैं, मेरे ब्रदर ये करते हैं, मेरे फादर ये करते हैं। इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएं और आप ये बताएं कि आप बेसिकली हैं कहाँ से। माई होम टाउन इज आगरा या माई नेटिव प्लेस इज आगरा, आप ऐसा बोल सकते हैं जो भी आपका होम टाउन हो। और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जिस भी तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं उसको आप एक लाइन में बता सकते हैं, दैट आई कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड या आई कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली। आपके घर में यदि माता जी पिताजी जो भी लोग हैं, अगर सदस्य कई सारे लोग बैंक में ही काम करते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं आई कम फ्रॉम बैंकिंग बैकग्राउंड या आई कम फ्रॉम अ बैंकर्स फैमिली। उसके बाद बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। इसमें भी आप ध्यान रखें कि आपको सारी क्वालिफिकेशंस बताने की जरूरत नहीं है। आपने यदि 12th किया है तो ये बात क्लियर है कि आपने 10th किया ही होगा। आप ग्रेजुएट हैं तो आपने 12th और 10th दोनों किया होगा, और आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपने ग्रेजुएशन 12th और 10th किया ही है। तो आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताएं और आपके पास किसी चीज के स्पेशल डिप्लोमास या स्पेशलाइजेशन हैं, कुछ आपने और कोर्सेज करें तो उनको भी आप यहां पर हाईलाइट करें। यदि आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई ऐसी चीजें हैं जो कि बताने लायक हैं, जिनको बताने से आपको फायदा मिलेगा कि आपके यदि किसी सब्जेक्ट में आप टॉपर थे, यदि आप टॉपर हैं या आपके किसी सब्जेक्ट में थ्रू आउट डिस्टिंक्शन आती थी, तो उसको आप शेयर जरूर करें। अदरवाइज आपको परसेंटेज शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर बात आती है वर्क एक्सपीरियंस की। तो वर्क एक्सपीरियंस बताते समय ध्यान रखें, पहली बात तो यदि आप फ्रेशर हैं तो वर्क एक्सपीरियंस बताते समय आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कोई प्रोजेक्ट्स करे हैं तो उनका आप डिस्कशन कर सकते हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स करे हैं। अदरवाइज आपने यदि आप प्रोफेशनल हैं तो अपना वर्क एक्सपीरियंस बताएं। दूसरी चीज, वर्क एक्सपीरियंस बताते समय एक और चीज का ध्यान रखें कि आपका वर्क एक्सपीरियंस यदि ज्यादा है, यानी कि आपने 2-4-5-10 साल काम किया है और वो सारा उस फील्ड से ही रेलिवेंट है, तो आप सीधे सीधे अपना वर्क एक्सपीरियंस इतने सालों का बताएं। अगर वो उससे अलग है तो उसे स्पेसिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि ऑल टुगेदर आई हैव 10 ईयर्स और 12 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, और जो स्पेसिफिक जॉब रोल है, जैसे मान के चलिए आप एजुकेशन फील्ड में जा रहे हैं, तो रिगार्डिंग टीचिंग आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट चीज जो आपको बतानी है वो बतानी है अपनी स्ट्रेंथ्स। अब स्ट्रेंथ्स दो तरीके की होती हैं, एक तो जो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ है जो आपकी पर्सनालिटी में समाहित होती है, जो आपकी जीन से आती है, जो आपकी फैमिली से आती है, जो आपके नेचर से आती है, और जब आप काम करते हैं तो भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स बनती चली जाती हैं। आपको लगता है कि आपको नहीं पता है तो एक बार बैठकर सोचें कि आपकी भी कोई स्ट्रेंथ्स होंगी और वो जरूर होंगी। जैसे कि कुछ स्ट्रेंथ्स की अगर बात करें तो मेरी बेसिक स्ट्रेंथ देखी जाए तो क्या है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और एक नेशनलिज्म की फीलिंग, ये मुझ में मेरी फैमिली रूट से आई, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड। अब मैंने जब काम करना शुरू किया तो मैंने 8-9 साल काम किया मार्केटिंग में, तो वहां से मेरे को एक स्ट्रेंथ आई दैट आई डेवलप्ड द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरी जो स्ट्रेंथ आई, जो एक नई स्ट्रेंथ मेरे अंदर इवॉल्व हुई इतने साल पढ़ाने के बाद, वो ये है दैट आई कैन मेक अंडरस्टैंड पीपल कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स इनटू सिंपलर वर्ड्स। तो ये आपकी स्ट्रेंथ, जब आप अपने बारे में सोचेंगे तो आपको भी अपनी स्ट्रेंथ्स का ध्यान आ जाएगा। उनको लिखें और उनकी तैयारी करें। अब आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है, आपने पढ़ाई भी की है, आपके पास स्ट्रेंथ भी है, तो जाहिर सी बात है कि अचीवमेंट्स भी होंगे। तो जो भी आपने अपने प्रोफेशनल करियर में अचीव किया है उसको शेयर करें पहले। उसको शेयर करने के बाद उसके बाद जो आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, यानी कि आप यदि स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन थे, यदि आप किसी चीज़ में आपने एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म किया है, या किसी को करिकुलर एक्टिविटी में आपका कोई बेंचमार्क आपने हासिल किया है, तो उसको भी आप अपने अचीवमेंट्स में बता सकते हैं। उसके बाद बात आती है हॉबीज की। हॉबीज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन आपका है और आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी भी उसमें डिफाइन करनी है कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि बेसिकली आप हैं कौन। हॉबीज बताते समय इस बात का ध्यान रखें कि हॉबीज ऐसी बताएं जो एक्चुअल में आपकी हो, यानी बी ओरिजिनल। मुझे किस्सा याद आता है कि मेरे एक मित्र इंटरव्यू देने गए, बहुत सालों पुरानी बात है, तो उनका इंट्रोडक्शन इंटरव्यू बहुत शानदार जा रहा था, बिल्कुल जॉब लगने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर ने देखा कि उन्होंने हॉबीज में लिखा था रीडिंग एंड राइटिंग, तो उन्होंने पूछ लिया कि क्या रीड करते हैं आप। अब बेसिकली वो रीडर थे नहीं,
वो रीडर नहीं थे, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि सीवी बनवा लेते हैं, तो सीवी जो आपके सीवी में लिखा है तो ऐसी चीजें ही लिखें जो एक्चुअल में सच हो। तो उन्होंने सीवी बनाया, तो जिसने सीवी बनाया उसने लिख दिया कि रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक कॉमन सी हॉबीज हैं, तो उन्होंने उसको लिख दिया। तो जैसे ही उनसे पूछा गया तो वो एकदम से थोड़े घबरा गए, उन्हें समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं। तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि हाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ, नहीं मैं गृह शोभा पढ़ता हूँ, मैं इंडिया टुडे पढ़ता हूँ, और उनकी वो जॉब लगते लगते रह गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी ओरिजिनैलिटी ही आप शेयर करें। यहां तक आने के बाद जब तक आप अचीवमेंट्स तक आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में और सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता। और अगर आपको लगता है कि और सुनना चाहता है तो अपने गोल्स को आप इलैबोरेट करके, अपनी हॉबीज को इलैबोरेट करके बता सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे गोल्स को बताकर उस इंट्रोडक्शन को वाइंड अप कर दीजिए। गोल्स आपके दो तरीके के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। बस गोल्स बताते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपके गोल्स हैं वो कंपनी के गोल्स के अगेंस्ट में ना हो, कंपनी के गोल्स के कहीं कॉन्ट्राइंडिक्ट्री ना हो। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, तो जब आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो उसे आप अपना इमीडिएट गोल मत बताएं, क्योंकि ये आपको रिक्रूट करने की सोच रही है कंपनी, और आप बताएंगे कि मैं तो बिजनेस करना चाहता हूं। और कोई भी कंपनी एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट चाहती है कि जिस जॉब रोल के लिए फाइनली एक सूटेबल व्यक्ति मिल गया तो वो कम से कम कुछ समय, साल दो तीन साल तो उनके साथ काम करेगा, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो यदि आपको ये बात समझ में आई हो तो इन पॉइंट्स को कवर करें, इन्हें लिखें, और इन्हें लिखने के बाद इनको बोल बोल कर तैयार करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपका इंट्रोडक्शन शानदार तरीके से तैयार होता जाएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपके हमारे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।